Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Gaurav Shukla, and I welcome to all of you on India's largest learning platform, Unacademy. Let's crack it. Guys, जो आज का टॉपिक है, that is Red Data Book, Animal and Plant Diversity. That will be very useful for your prelims examination as well as for your mains examination. ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो 2021-2022 में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. साथ में वो सारे स्टूडेंट्स जो 2020 में प्री और मेन सभी मालूम है कि पेपर थोड़ी डेट शिफ्ट हुई है तो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा. तो आज का एक बार मेनू हम लोग देख लेते हैं. गाइज हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेप वाइज स्टेप बढ़ेंगे ताकि जो मेन पॉइंट्स है सारा जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर आ जाए. तो वो सारे पॉइंट्स आ जाए इसके लिए हम लोग वो पॉइंट करेंगे. एक बार क्लियर कर दीजिए हमारा डुअल और नॉट. गुड इवनिंग. तो जो रियल्स है, बायोम्स है, बायोजियोग्राफिक जोन्स है, सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे. राइट, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे. फिर उसके बाद जो फौना एंड फ्लोरा डाइवर्सिटी है, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़े से जो क्लासिफिकेशन है, जो आपका एनिमल किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है, मैं हम लोग थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को देखेंगे. फिर उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो आपका भरूसा का कंपोनेंट है, कॉमन एंड रेयर स्पेसीज. बेसिकली भरूसा ने क्या किया कि जो स्पेसीज है एक तरफ उन्होंने कॉमन और दूसरी तरफ उन्होंने रेयर, इन दो पार्ट में उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है. तो हम लोग उसके थ्रू देखेंगे, उससे काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. फिर उसके बाद हम लोग आएंगे रेड डेटा बुक पे. डेटा बुक में क्या है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड अदर थिंग्स है उसको जानेंगे. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद गाइस कल क्या था कि कल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कंफ्यूजन हो गई थी कि कितने टोटल नंबर ऑफ आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो उसको हम लोग एक बार देखेंगे. फिर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तहत वो. और गाइस एक और इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट क्या है कि कल से मैं क्या करूंगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि जो आपका जो ये रिजर्व है, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो एक एक बायोस्फीयर रिजर्व अगर आप डेली अगर एक एक स्फीयर रिजर्व आप डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि उससे चीजें याद हो जाएंगी. तो मुझे लगता है कि ये सही है कि हम लोग एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये आज का पूरा मेनू है. मैं उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा. जहां पे जो कंफ्यूजन होगी पूछ सकते हैं. दिस इज अबाउट मी गौरव शुक्ला. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग, या तो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आपको रिवेन्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए या अदर थिंग्स, तो यू कैन टेक्स्ट मी. ये मेरा नंबर है, वहां पे टेक्स्ट कर सकते हैं. लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, या फिर आप यहाँ पर जी शुक्ला 10 को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी. राइट, इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी इन 10 लॉन्च किया है, लेट्स क्रैक इट, जो कि आपका कवर करेगा. जो हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं वो क्या करेंगे कि टॉपिक्स को क्रिप्स एंड कंसाइज एंड टू द पॉइंट्स, जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे आपके टॉपिक से, वो सारे पॉइंट्स आपके यहां पर कवर किए जाएंगे. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. तो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर किए जाएंगे इन 10 मिनट्स. वो 10 मिनट का आपका साइज रहेगा जिससे कि आप चीजों को बहुत कम समय में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. इसके अलावा एक आपके लिए बिग अनाउंसमेंट है, दैट इज 3 मेगा बैचेज फॉर फुल 1 ईयर प्रिपरेशन. आपका 3 मेगा बैच गाइज स्टार्ट हो रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, 25 मई से स्टार्ट हो रहा है फॉर यूपीएससी सीएससी 2021. जो 2020-2021 जो नेक्स्ट ईयर पेपर देना चाहते हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है. आपका तीनों आपका बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, आपका हिंदी बैच कोर्स है और इंग्लिश बैच कोर्स है. फुल सिलेबस आपका कवरेज किया जाएगा यहाँ पर. प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज आपकी एनालिसिस होगी. हमारे जो टॉप एजुकेटर्स है आप उनसे कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क
इंटरव्यू तक की आपकी पूरी प्रिपरेशन रहेगी। तो आप लोग जल्दी से ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, हम भी वहां पर आपके साथ हैं, मिलेंगे उस पे। इसके अलावा आपको आप लोगों के लिए ये जो टेस्ट जो चैंपियनशिप चल रही है 24th मई को एक आखिरी टेस्ट पेपर है, यू हैव टू ज्वाइन, आप इनरोल कर सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। हमारे जो टॉप एजुकेटर है मुनराल सर है, आतिश सर, उनके थ्रू ये आपका बनाया गया, आप रियल सेल्फ अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोगों को देखो करना क्या है, अगर आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपके पेस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपको अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू हैव टू पे जस्ट 36,000 अगर आप लोग ये कोड GS10 यूज करते हैं। तो आप लोग यूज कीजिए, बैचेस ज्वाइन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको एडमिशन से रिलेटेड रिगार्डिंग होती है तो यू कैन टेक्स्ट मी। और अगर स्टूडेंट्स आपका 2 इयर्स का प्लान है, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ये थोड़ा लंबी जर्नी है, टाइम इसमें लगता है, तो आप 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दैट इज GS10। 48,000 टोटल पेबल फी है, अगर आप ये 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे GS10, देन यू हैव टू गिव जस्ट 43,200। तो आप लोग ये कोड यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिशन कुछ भी हो यू कैन आस्क मी। तो लेट्स क्रैक इट, हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला पोर्शन है दैट इज इंडियन बायोडायवर्सिटी, जो डाइवर्स लैंडस्केप कॉन्सेप्ट है वहां से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि मेन सारे पॉइंट्स तैयार हो जाए। अब देखो पहला जो पॉइंट्स आता हुआ है कि इंडिया रिप्रेजेंट्स 2 रियल्स, 5 बायोम्स, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स एंड 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रियल्स क्या होते हैं, बायोम्स तो मैंने डिस्कस किया है, लेकिन डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, जो आपके रियल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि दीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इकोजोन, जो कि एक लार्ज एरिया होता है विद अ पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना। इसको आप ऐसे समझिए कि जब कॉन्टिनेंटल जब ड्रिफ्ट हुआ था, आपको मालूम है कि इनिशियल लेवल पर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ था, जो आपका लिथोस्फीयर था, जो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स था, वो ब्रोकरेज हो गया था डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे वो पहले इक्वेटर और ऊपर की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया था। तो राइट नाउ ये पोजिशंस हैं, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जो ये डिफरेंट डिफरेंट आपका ये पूरा का पूरा जो रीजन बना है दैट इज कॉल्ड रियल्स वर्ल्ड का, ये इसको कहते हैं बायोजियोग्राफिक रियल्स कहते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स है, इसको हम लोग नियर आर्कटिक बोल देते हैं, पैलियो आर्कटिक बोलते हैं, एफ्रो ट्रॉपिकल बोलते हैं, नियो ट्रॉपिकल बोलते हैं, इंडो मलयालम बोलते हैं, ओशियानियन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं, राइट। गुड इवनिंग एवरीवन, जहां पे कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। तो ये आपका क्या, ये रियल्स है, तो इन पार्ट्स में ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो हमको आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि ये रियल्स क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के चलते वो एक आइसोलेशन प्लेस ले लिया, सारे रीजन आइसोलेशन में आ गए, तो दैट इज बायोजियोग्राफिक रियल्स। तो एक तो ये पॉइंट हुआ, जो आपका रीजन होता है बायोजियोग्राफिक रीजन होता है, ये बेसिकली इट इज ए जियोग्राफिकल एरिया दैट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल जियोलॉजी। मतलब कोई भी रीजन होता है, हम उसके जो वहां की उस रीजन की जो स्पेसीज, जो इस रीजन की क्वालिटी होती है, चाहे इन टर्म ऑफ प्लांट्स की बात कर ले, इन टर्म ऑफ एनिमल्स की बात कर ले, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट की बात कर दे, तो उस ढंग से बायोजियोग्राफिक रीजन्स को डिवाइड किया गया है, उसको अभी हम लोग आके देखेंगे। बायोम बेसिकली क्या होता है गाइस, बायोम इज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट ऑक्युपाइड ए डिस्टिंक्ट रीजन। जैसे मैंने डिस्कस भी किया कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स होते हैं, वहां का अगर कंडीशन देखें जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, दैट इज डिफरेंट। उसी ढंग से आपको टुंड्रा बायोम्स मिलेंगे, डिजर्ट बायोम्स मिलेंगे, ट्रॉपिकल बायोम्स मिलेंगे। तो ये आपका 3 हुआ, एक रियल्स हुआ, एक बायोम हुआ, एक रीजन हुआ। देखो यहां पर नीचे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स कैन भी ये आपके उसमें भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन, इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि बायोम्स एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में ही होगा, ऐसा हो सकता है
कि एक तरफ आपका नियोट्रॉपिकल रेम्स हो, एक तरफ आपका एफ्रोट्रॉपिकल रेम्स हो, तो उसका ट्रांजिशन जोन भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप सबसे पहले आप लोगों को ये तीन टर्म समझ में आ गए होंगे, रेम्स आ गए होंगे, रीजन सभी हम लोग आगे देखेंगे, बायो देखेंगे। तो ये अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका रियल्स है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम पे। यस यस, एक्चुअली बायोम्स अगर वर्ल्ड की बुक देखें, अगर आप शंकर की बुक देखेंगे तो वहां पे एक्वेटिक बायोम्स के जिक्र नहीं करते, बट इफ यू गो टू एनी इंटरनेशनल बुक यू विल से दैट देन मैरीन बायोम्स आल्सो एग्जिस्ट। तो मैरीन भी एक बायोम्स है, अदर्स भी बायोम्स है। उस दिन मैंने डिस्कस किया था, बाद में सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि वो जो शंकर में लिखा है कि बायोम्स शुड बी ए टेरेस्ट्रियल, तो ऐसा कुछ नहीं है, बायोम्स आपका मैरीन भी हो सकता है, राइट। तो अब आपका ये जो रियल्स है, ये सारे सारे ये इतने पार्ट में रियल्स है, ये यहाँ पे सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। नियर आर्कटिक हो गया, पैलियो आर्कटिक हो गया, अफ्रीको ट्रॉपिकल, इंडो मलयालम, ओशियाना, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक एंड न्यू ट्रॉपिकल। तो ये आपका एक पॉइंट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंडिया की बात कर ले। इंडिया का देखो, वर्ल्ड का बायोम्स तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, इंडिया के बायोम्स पे आ जाते हैं। इंडिया के बायोम्स में इस ढंग से डिवाइड है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट हुआ, ट्रॉपिकल ड्राई एंड डिसिडियस फॉरेस्ट हुआ, वार्म डिजर्ट हुआ, सेमी डिजर्ट एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मेडोज। तो ये पांच आपके बायोम्स हो गए, ये आपके पांच बायोम्स हो गए। फिर आपका अगर हम बायो जियोग्राफिक जोन की बात कर लें तो ये अलग अलग बायो जियोग्राफिक जोन्स बनाए गए। ऊपर से अगर आप चलें तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा, ट्रांस हिमालय मिलेगा, राइट। सबसे ऊपर अगर आप देखें यहां पर तो आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका हिमालय रीजन मिलेगा, फिर आपका इधर डिजर्ट रीजन है ये पूरा का पूरा, फिर आपका सेमी एरिड ये रीजन हुआ, फिर आपका आ जाता है वेस्टर्न घाट हुआ, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट रीजन हुआ, फिर आपका आ जाएगा डेक्कन पेनिनसुला, ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, फिर आपका गैंगेटिक प्लेन्स आ जाएगा, फिर आपका जो कोस्टल एरियाज है ये पूरे के पूरे कोस्टल एरियाज है वो आ जाएंगे, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, फिर आपका ये आइलैंड आ जाएगा। तो इन 10 पार्ट्स में ये आपका क्या है, ये आपका है बायो जियोग्राफिक जोन्स। यहाँ पर एरिया वाइज आपको डिवाइड है, लाइक ट्रांस हिमालय टोटल 5.7% ऑफ कंट्रीज लैंड मास है, हिमालय 7.2% है, डिजर्ट 6.9% है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपके कितने रियल्स है, कितने बायोम्स है एंड कितने आपके वो है। रियल्स मैंने ये बताया आपको कि जब कॉन्टिनेंट जब ड्रिफ्ट हुआ था, बिल्कुल अगर ज्योग्राफी में जाइए तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स, आपको मालूम होगा कि जो लिथोस्फीयर होते हैं दैट इज अगर वो ब्रोकन हो गया तो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो प्लेट्स मूव करते हैं। तो ये मूव हो कर करके अलग अलग पोजिशंस ले लिए, जिसको हम जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रीजन को हम लोग नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, ये आपका साउथ अमेरिका। तो इन सबको जो आइसोलेशन में ड्रिफ्ट होकर के हो गए, तो इन सबको हम लोगों ने बोल दिया रियल्स, राइट। तो ये आपका रियल्स हो गया, फिर आपका बायोम्स ये हुआ, फिर आपका आ गया बायो जियोग्राफिक जोन्स आ गया। ये तीन पार्ट हो गए, आई थिंक इट हैज बीन क्लियर्ड इसमें। फिर इसके बाद फर्दर जो बायो जियोग्राफिक रीजन था उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया 25 सब डिवीजन में, राइट। तो ये फैक्ट्स था, एक बेसिक हल्का सा पॉइंट्स था, वो मैंने आपको बता दिया। आते हैं मेन पॉइंट्स पे, सीधे आते हैं फौना एंड फ्लोरा डाइवर्सिटी में। गाइस देखो पॉइंट क्या है, पहले हम लोग क्या है, जो एनिमल किंगडम है, जो प्लांट है, जो फना फ्लोरा है, उसकी डाइवर्सिटी को पहले जान लेंगे, थोड़े से नेचर जान लेंगे। हम लोग को जियोलॉजी बॉटनी नहीं पढ़ना, हमको फोकस होना है एनवायरमेंट पे। तो आएंगे आपका जो मेन कुछ पॉइंट्स है, ऐसा ना रहे कि कोई पॉइंट आपका छूट गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहले कुछ मेन कैसे डिवाइड किया गया उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फिर जो डाइवर्सिटी आपका जो बरूसा की बुक है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बहुत अच्छे से कॉमन एंड रेयर स्पीसीज को डिवाइड किया है, उससे क्वेश्चंस बहुत आए हैं। उसके बाद जब हम लोग रेड डेटा बुक देखेंगे तो हम क्रिटिकल जो स्पीसीज है जो इंडिया की उसको देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया की रैंकिंग की बात कर लें, तो मैमल्स की बात कर लें तो अगेन मैमल्स आपका जो नंबर ऑफ स्पीसीज है इंडिया में 350 है, जो रैंकिंग है 8th रैंक है। आपका जो बर्ड्स की बात कर लें तो वर्ल्ड में पोजीशन 8th है,
टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इंडिया में 1200 है। तो आप देख रहे हैं कि आप हर एक बर्ड्स का तो एनालिसिस करेंगे नहीं, आपको इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, कोई इंडेमिक है, कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पेसीज है उसको हम लोग देखेंगे, या कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड या कोई रेयर स्पेसीज है उन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे बहुत ही स्टेप वाइज, राइट। फिर आपका रेप्टाइल्स हो गया, उसका 452 नंबर ऑफ स्पेसीज है, फिफ्थ रैंकिंग है। एम्फीबियंस हो गए, 15th रैंकिंग है, 182। ये मोटा मोटा मैंने यहाँ पर आपको आइडिया दे दिया। अगेन ये ग्राफ चार्ट में ये परसेंटेज है, डिफरेंट जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सारा परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। आते हैं फना की बात करते हैं, जो आपका एनिमल किंगडम है उसको बेसिकली मोटे तौर पर दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका वर्टेब्रेट्स है, दूसरा आपका इनवर्टेब्रेट्स, राइट। तो वर्टेब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका बैकबोन्स होता है, जिसके स्पाइनल जो कॉर्ड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, दे आर मोस्टली एडवांस्ड होते हैं। ये स्मॉल परसेंटेज में भी, मतलब स्मॉल साइज में भी हो सकते हैं और बड़े साइज में हो सकते हैं। फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, आपके मेमल्स हो गए, दीज आर द वर्टेब्रेट्स हो गए। अगेन इन वर्टेब्रेट्स कौन से होते हैं, ऐसे जिनकी की आपका जो बैकबोन है वो नहीं होता है। तो ये यहाँ पर है आपका इनलिट्स हो गया, मॉलस्क हो गया, आर्थोप्रेट्स हो गया, आर्किनिड्स हो गया, इकोडर्म्स हो गया, प्रोटोजोआ। तो ये आपका इस ढंग से एक वर्टेब्रेट्स हुआ, एक आपका इनवर्टेब्रेट्स हुआ। मोटा मोटा हम लोग देखेंगे, हम लोग को जियोलॉजी और बॉटनी उसमें नहीं जाना है, हमको केवल इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से देखना। तो आपके ये डायग्राम है, एक तरफ से इनवर्टेब्रेट्स है, आप सोचो उनका कोई बैकबोन नहीं है तो कितने भी कैसे भी वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। आपका इधर वर्टेब्रेट्स है, तो ये आपका जैसे ये फिश हो गया, मैमल्स, बर्ड हो गया, ये आपके वर्टेब्रेट्स है। तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ जैसे पूछ लेता है, जैसे फिश होता है कोल्ड ब्लड होता है, ठीक है, फिश को कोल्ड ब्लड बोला जाता है, लिव इन वाटर है, जो ब्रेथ है उसका वाटर यूजिंग गिल्स है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, फटाफट इसको देख के फिर हम लोग मेन पॉइंट्स पे आएंगे। ले एग्स है अपना ये, फिर एम्फीबियंस हो गए, ये सारे आप देख रहे होंगे एम्फीबियंस है, अगेन इट इज ए कोल्ड ब्लड है। या जैसे फ्रॉग हो गया, ये लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, ये सारी चीजें आपके ये एम्फीबियंस हो गए, राइट। फिर आपका रेप्टाइल्स की बात कर लें, तो रेप्टाइल्स आपका अगेन कोल्ड ब्लड होता है, आपका ये सारे रेप्टाइल्स हो गए, आपके स्केल्स होता है, ड्राई स्किन होती है, ये सारे आपके रेप्टाइल्स हो गए। फिर एव्स जो होती है, जो आपकी ऑस्ट्रिच हो गई, जो पैरट हो गया, दीज आर ऑल द एव्स। तो ये आपके गाइस वार्म ब्लड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लड्स होते हैं। मेन मेन पॉइंट्स हम देख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जो मेन जो यूपीएससी पूछता है उस पर हम लोगों को आना। मेमल्स आपको मालूम ही है वार्म ब्लड्स होते हैं, हेयर फुर होते हैं, ये सारी चीजें होती है, गिव बर्थ टू अ लिव यंग वंस देते हैं, ये सारी चीजें हो गई आपका मेमल्स का, मतलब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्लांट किंगडम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, प्लांट किंगडम के बारे में एक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, ठीक है। आपको अगर डिटेल में इसको जानना है तो आप डेफिनेटली आपका जो जियोलॉजी बॉटनी है उसका सब्जेक्ट बन जाता है। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो प्लांट किंगडम है, एक सेल्स होता है, टिश्यू जिसमें नॉट हाईली ऑर्गेनाइज होता है वो होता है उस पार्ट में, और दूसरा आपका होता है जिसमें सेल्स और टिश्यू आपके हाईली ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो ये दो पार्ट हुआ, इस दो पार्ट में आपका डिवाइड है। फिर आपका जैसे एल्गी होता है, ये आपका खुद का खाना अपना बनाता है, जो फंगी फंगाई होता है, बैक्टीरियल होता है, डेट्स लैक्स आपका क्लोरोफिल। तो इस ढंग से डिवाइड है, हमने सिर्फ आपको एक मोटा आइडिया दे दिया है। जैसे आपका उसको अगर और डिटेल में जानना हो तो आप फर्दर इसको जाके देख सकता हो, बट बहुत ज्यादा आपका इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ परस्पेक्टिव से बहुत डिटेल में नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट है उस पे आते हैं, एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली पॉइंट क्या है गाइस, जो आपकी बरूसिया की बुक है उन्होंने असल में जो स्पेसीज है कॉमन एंड रेयर स्पेसीज के रूप में डिवाइड किया है। जैसे अगर एनिमल की बात करें तो कॉमन एनिमल है और रेयर एनिमल। आपको मैं क्वेश्चंस अभी दिखाऊंगा, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चन तो डायरेक्ट सिर्फ यहीं से उठाकर पूछ लिया है, कहीं से बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। वो उसको देखेंगे तो उन्होंने बेसिकली जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, फॉरेस्ट टाइप थे, उसी के आधार पर उन्होंने कुछ कॉमन एनिमल्स बताए कि ये कॉमनली ये फाउंड आउट होते हैं, कुछ रेयर एनिमल बताए जो कि बहुत
कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे मिलते हैं और जो कि रेयर होते हैं, ठीक है। उन्होंने हिमालयन, ये कोनिफेरस हो गया जो कि हाइट पर होता है, फिर ब्रॉड लिव्ड हो गया जो हिमालयन जो थोड़ा नीचे होता है, एवरग्रीन जो अपन नॉर्थ ईस्ट रीजन हुआ, वेस्टर्न घाट्स हुआ, अंडमान निकोबार जहां पर हाईली रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होता है, टेम्परेचर भी काफी रहता है। फिर आपका डिसिड्यूस हो गया, उसमें ड्राई भी होता है, मोस्ट भी होता है। फिर आपका जो सेमी एरिड रीजन होता है, थॉर्न एंड स्क्रब होता है। और फिर फाइनली आपका मैंग्रोव डेल्टा, इसी के फॉर्म में ये है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे, मैमल से हम लोग शुरू करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग डियर की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे गाइस? डियर की। इंडिया में जो डियर पाए जाते हैं गाइस, उसमें एक आपका सांभर है, ठीक है, एक आपका ये है सांभर, ये, फिर आपका चीतल है, फिर आपका बारहसिंघा है, फिर आपका बार्किंग डियर है, ठीक है। अगर हम सांभर लीव की बात करें तो वो जो हिली फॉरेस्टेड एरिया है, जो श्रब्स और लीव्स होते हैं, वहां पर ये आपके पाए जाते हैं सांभर डियर। जैसे यहां पर आपको दिखा हुआ है एवरग्रीन जो रीजन होते हैं, जो वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार, यहां पर आपको ये डियर मिल जाएगा, राइट। एक एक करके हम लोग देखेंगे तो ताकि आपको मेन सारे स्ट्रक्ट बाहर आ जाए। उसी ढंग से एक आपका होता है चीतल, उसको हम स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं, राइट। अगर आप देखें चीतल तो ये आपका स्पॉटेड है, ये इसको स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं। तो ये जो चीटेड और स्पॉटेड डियर है, ये आप देखेंगे ये मोस्टली आपका डिसिड्यूस ड्राई रीजन में ये फाइंड आउट है, चीतल जो स्पॉटेड डियर है, राइट। ये आपका हुआ। फिर आपका एक है आपका नेक्स्ट है आपका बारहसिंघा। उसको आगे देखेंगे, बारहसिंघा बार्किंग डियर है, अभी उसको देखते हैं आगे। चलो उसको आगे एक करके देखेंगे। उसके बाद बारहसिंघा को हम लोग स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, ठीक है। बारहसिंघा को हम लोग स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। इट हैज वाइड हुप्स दैट इनेबल ब्यूटीफुल एनिमल्स। तो एक बारहसिंघा है, एक होता है रेयर हंगुल डियर, राइट। एक हंगुल डियर होता है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इट इज फाउंड ओनली इन द कश्मीर। कश्मीर में आपका देखो, अगर रेयर एनिमल में जाओ, जो आपका रीजन है यहां पर, जो हिमालयन कोनिफेरस रीजन है कश्मीर रीजन पर, यहां पर आपका हंगुल फाइंड आउट होता है। क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें। उसके बाद एक आपका होता है टीनी बार्किंग डियर्स। बार्किंग मतलब ये होता है कि उसका जो साउंड्स है, साउंड इस डियर का, वो जैसे कुत्ते जैसे बार्क करते हैं, कुत्ते जैसे भौंकते हैं, उस ढंग से उसका साउंड निकलता है, इसलिए हम लोग उसको टीनी बार्किंग डियर्स भी बोल देते हैं। अगर बार्किंग डियर्स की बात करें तो आपको डिसिड्यूस ड्राई रीजन में आपको टीनी बार्किंग डियर्स मिलेंगे, राइट। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ब्लैक बक एक पॉइंट है गाइस, ब्लैक पे भी क्वेश्चन आया है। ब्लैक बक इज द ओनली ट्रू एंटीलोप फाउंड इन इंडिया, ठीक है। जैसे हार्ड एंटीलोप का क्या मतलब होता है, जो सिंग होती है उसको, दैट इज हार्ड एंटीलोप। तो आपका जो ब्लैक बक होता है उसको ट्रू एंटीलोप फाउंड बोलते हैं। उसका मतलब यह कि ये जो, अगर हम इसको देखें यहां पर, आई थिंक ये बना हुआ है, तो ये देखें अगर इसको पूरा, अगर मेल ये ब्लैक बक को देखें तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ब्लैक है, ब्लैक में है, और नीचे आपका व्हाइट में है, राइट। तो ये मोस्टली ये ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, और इसकी जो ये सींग होती है इस ढंग से होती है कि ये वी शेप बनाती है। एक्चुअली मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो आपका बरूजा में दिया हुआ है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं, ये तीन चार स्टेटमेंट दे के पूछ लेंगे कि ये आपका, ये कौन सा आपका एंटीलोप है, राइट। फिर आपका चिंकारा हो गया, ये स्मॉल एनिमल होता है, इसको इंडियन गेजल्स भी बोलते हैं। फिर आपका आता है चौसिंगा, जिसको फोर हॉर्न एंटीलोप्स बोलते हैं। इट इज ओनली एनिमल होता है दैट हैज अ फोर हॉर्न्स। उसमें नीलगिरी इज द लार्जेस्ट ऑफ द ड्राई लैंड हर्बीवोर्स हो गया, नीलगाय, सॉरी। तो आपका अगर यहां पर देखें तो ये आपका चिंकारा हो गया, यहां पर है, और आपका फोर हॉर्न एंटीलोप, राइट। तो ये पॉइंट आपका, ये कहां पर मिलता है आपका, जो थोर्न और स्क्रब सेमी एरिड फॉरेस्ट में मिलता है। तो मोर और लेस ये पॉइंट है। आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है एक रेयर स्पीशीज गाइस पाई जाती है, दैट इज इंडियन वाइल्ड एश। इंडियन वाइल्ड एश इंडेमिक है, इंडेमिक टू लिटिल रन ऑफ कच्छ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये स्पीशीज कहां मिलती है, ये स्पीशीज मिलती है एक
स्पेसिफिक एरिया है, लिटिल रन ऑफ कच्छ है, वहां पर ये इंडियन वाइल्ड एश मिलती है, राइट। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे कहीं पे मेंशन होगा आई थिंक, चलो यहां पे शायद मेंशन नहीं है। तो ये आपका एक लिटिल रन ऑफ कच्छ में मिलता है। उसके अलावा फिर एक एक नीलगिरी तहर है जो कि नीलगिरी और अंडमान हिल्स में पाया जाता है, एक हिमालयन तहर है। अच्छा, राइनासोर की भी बात कर लें तो राइनासोर इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू द असम, ठीक है, असम रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है। वाइल्ड बफेलो आपका ये रिस्ट्रिक्टेड है तराई। तो ये जो अगर क्वेश्चंस पे आते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा था यूपीएससी ने, क्वेश्चन ये पूछा था, ये मैं पढ़ देता हूं एक बार, कि द सैंडी एंड सेलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीसीज, राइट। द एनिमल हैज नो प्रीडेटर्स इन द एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल। इस ढंग से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेती है। तो आपको गाइस क्या करना है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, एनिमल। तो गाइज इसका आंसर है इंडियन वाइल्ड एश। मैंने बताया कि रन ऑफ कच्छ में मिलता है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में, तो दैट इज सैंडी एंड सेलाइन एरिया है, इज अ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ दैट एनिमल स्पीसीज, तो दैट इज इंडियन वाइल्ड एश, वो है इसका आंसर रन ऑफ कच्छ में, ये इसका नेचुरल हैबिटेट है। इस ढंग के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, बी भी आपने बी भी बताया, यस यू आर राइट। अब आते हैं एक दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, दूसरा पॉइंट है बिग कैट्स फाउंड इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो फोर बिग कैट्स है, आपका एक गिर लायन है, एक आपका बंगाल टाइगर है, एक आपका इंडियन लेपर्ड है, मतलब इंडियन जो तेंदुआ है, एक आपका स्नो लेपर्ड है। तो और ये सारे के सारे, एक आपका क्लाउडेड लेपर्ड है, दीज आर ऑल फाउंड इन द इंडिया, ये इंडिया में फाइंड मिलते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब दिया। और जो इसमें नहीं मिलते इंडिया में वो है आपका जगुआर है और चीता है। तो जगुआर और चीता है वो आपका इंडिया में नहीं मिलता है। चीता वाज एक्सटेंडेड एज बैक एज 1940, 1940 में चीता एक्सटेंड हो गया। गिर लायन आपको इंडिया में मिल जाएगा, जो फोर बिग कैट्स है, आपका बंगाल टाइगर्स हो गया, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेकिन आपका ये जो बिग कैट्स में आपका चीता आपको और जगुआर नहीं मिलता है। क्वेश्चन ये उठता है, आप लोग क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं कि जो आपका चीता होता है और टाइगर होता है और आपका तेंदुआ होता है तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं या आप लोग थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। हम आते हैं मेन एक पॉइंट पे, जैसे टाइगर है, टाइगर पे क्या होती है कि गोल्ड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स होती है। अगर टाइगर पे देखें तो ये गोल्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्ट्रिप है आपकी गाइस, ये आपकी स्ट्रिप है, इस ढंग की, इस ढंग की, इस ढंग की ये स्ट्रिप बनी हुई है। तो ये टाइगर की स्ट्रिप है आपकी, गोल्ड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, और इनकी सुपर्ब स्किन होती है, इसकी वजह से इनकी पोचिंग बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से काफी ज्यादा इसकी डिक्लाइन हुआ होने की नौबत है। फिर आपका ये तेंदुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पॉट बने हुए, यहाँ यहाँ पर आपके स्पॉट बने हुए, लेपर्ड हो गया एंड स्नो लेपर्ड हो गया। तो जो तेंदुआ होता है दैट आर मोर एडाप्टेबल होता है देन टाइगर, से ज्यादा एडाप्टेबल होता है, और दैट लिव इन द थिक फॉरेस्ट एज वेल एज डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया। अब यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम लोग आए तो टाइगर को अगर हम लोग देखें तो आपको वेस्टर्न घाट में भी यहां पर भी टाइगर आपको दिख रहा है, और डिसीड्यूस ड्राई एरिया में यहां पर भी आपको टाइगर दिख रहा है। अब तेंदुआ की बात करें तो यहां पर आपको तेंदुआ दिख रहा है लेपर्ड के अंदर, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको एक पॉइंट है,
एक्चुअली विशाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जो एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूँ कि बायोस्फेयर जो रिजर्व है वो एक्चुअली 18 बायोस्फेयर रिजर्व है। मैं डेली आपका एक एक बायोस्फेयर रिजर्व भी डिस्कस करूंगा क्योंकि बायोस्फेयर रिजर्व के अंदर आपके कुछ नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाते हैं, ताकि आपके जो बायोस्फेयर रिजर्व है वो सारे के सारे आपके याद हो सके। और ये आपने अच्छा सजेशन दिया, जल्दी मैं MCQ भी लाऊंगा आपका जो कि आपका रिजर्व से रिलेटेड है, बायोस्फेयर रिजर्व से रिलेटेड है। ओके, ये जो क्वेश्चन है गाइस, इसमें अगर आपको सबके बारे में नहीं पता है, बट अगर आपको मैंने अभी जो जितनी इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नासिर ने बी बताया, एनी अदर वन? वरुण बी, सुधाकर बी। ओके, देखो मैंने तुमको क्या बताया, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चीता जो है वो एक्सटेंट हो गया है, इट इज नॉट फाउंड इंडिया। तो दो ऑप्शन में जहां जहां एलिमिनेट कर दो, तो दो ऑप्शन में ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा ना। तो आप केवल इतना पता होता आपको कि आपको चीता इंडिया में नहीं मिलता है, 1940 के पहले एक्सटेंट हो गया है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका आंसर आप कर लेते। तो इस ढंग से क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको अगर एक दो पॉइंट्स भी पता है ना तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वोल्फ और फॉक्स की बात आती है, तो वोल्फ आपका जो एक थ्रीटेंड वोल्फ है वो आपका हिमालयन वोल्फ है। वोल्फ्स जो होते हैं वो हाईली थ्रेटेंड स्पेसीज हैं आपका, जो फॉक्स होते हैं आपका, वोल्फ एंड फॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वोल्फ आपका हाईली थ्रेटेंड स्पेसीज है, राइट। अगर यहां पर देखें हिमालयन रीजन में, तो ये आपका हिमालयन वोल्फ यहाँ पे मिलता है, दैट इज रेयर एनिमल्स है, ये आपका रेयर एनिमल्स है और हाईली थ्रेटेंड स्पेसीज है। फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन देखो यहीं से आया हुआ है, जो मकाक होता है, एक बॉनेट मकाक होता है, जो कॉमन मंकी पाए जाते हैं स्पीसीज, उसको हम लोग बॉनेट मकाक बोलते हैं। और एक होता है रिशस मकाक होता है, जो कि स्मॉलर होता है, बट वो मतलब बॉनेट से शॉर्टर भी होता है। तो एक जो रेयर मकाक है, दैट इज लॉयंड टेंड मकाक, दैट फाउंड ओनली इन द फॉरेस्ट ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट एंड अन्नामलाई रेंज, केवल और केवल यहीं पर ये मिलता है आपका, कौन सा, लॉयन टेल्ड मकाक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आया, अभी हम लोग देखेंगे आपका। यहां पर अगर जाएंगे तो आपको जो इस वाले रीजन में यहां पर आपको मिलेगा, ये आपका लॉयन टेल्ड मकाक है, जो कि आपकी रेयर स्पीसीज है, दैट विल बी फाउंड इन द इस रीजन में आपका, जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, वहां पर ये मिलता है लॉयन टेल्ड मकाक। जो कॉमन लंगूर होते हैं, जो लंगूर की बात करते हैं, वो ब्लैक फेस होते हैं, जिनको हम लोग, जो ब्लैक फेस वाले लंगूर होते हैं उसको हम लोग हनुमान मंकी बोलते हैं। एक और होता है रेयर गोल्डन लंगूर होता है, तो जो रेयर गोल्डन लंगूर होता है, दैट इज गोल्डन येलो, और इट इज फाउंड इन द बैंक्स ऑफ द मानस रिवर इन असम, मतलब ये असम में मिलता है, ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर ये आपका गोल्डन लंगूर मिलता है। तो दो पॉइंट आपको मिले, एक आपको मिल गया लायन टेंड मकाक मिला, जो आपको मिला वेस्टर्न घाट में वहां पर रीजन पे मिलता है, दूसरा आपको मिला आपका ये गोल्डन लंगूर, राइट, ये आपको मिलता है, ये आपका मानस रिवर वहां असम में मिलता है, एक ये पॉइंट हुआ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन जैसे ये पूछ लिया था सिंपली कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लायन टेंड मकाक, आप देख रहे होंगे कि ये इरा बरूचा की बुक है, डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल रहे हैं, दैट हैज बीन आस्क्ड इन ISP 2013 में कि लायन टेंड मकाक कहां पर मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं। अगर नेचुरल हैबिटेट आपको सिर्फ बहुत डिटेल नहीं जानना, आपको सिर्फ ये पता हो कि लायन टेंड मकाक कहां पर पाए जाते हैं, स्पीसीज कैसी है, तो देन यू कैन गिव अ आंसर राइटली। ओके, नासी ए, एनी अदर वन?
बताइए अभी जस्ट मैंने बताया केवल उतने इंफॉर्मेशन से आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लॉन टेल मका कहाँ मिलता है मैंने आपको जस्ट बताया, यहाँ पर आप फिर से जाइए बैंक में, तो मैंने जस्ट आपको यहाँ पे क्या बताया कि लॉन टेल मका जो आपका एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट एरिया वेस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार है, वेस्टर्न घाट पे ये मोस्टली आपका रियर एनिमल है, वहां पर लॉन टेल मकाक मिलता है। ये यहाँ पर मैंने बताया कि जो साउथ वेस्टर्न घाट है और अन्नामलाई रेंज है वहां पर आपको लॉन टेल मकाक मिलेगा। तो वैभव डी, वैभव ए, वरुण डी, स्नेहल डी, निधि ए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एनी अदर वन, कोई और कमेंट करना चाहे तो अखिल डी। अच्छा अगर हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेट की हम बात करते हैं जहां पर नॉर्मली ये पाया जाता है, आप लोग खुद बताइए कि क्या आंध्रा को हम लोग इंक्लूड करेंगे, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये जो पूरा तीन जो ये ट्रायंगल बनता है जो वहां पर, दैट इज पूरा का पूरा मोस्ट जो आपका हाईली जो जहां पे स्पीसीज पाए जाते हैं मोस्टली, और वेस्टर्न घाट पूरा का पूरा दैट विल मेक अ पोर्शन, आंध्रा नहीं आएगा, समझना है। जैसे कुछ लोगों ने इसमें आंध्रा आंसर किया है, दैट इज रॉन्ग। वेस्टर्न घाट आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये आपका मेन है जहां पे हाईली स्पेसिफिक ढेर सारे पाए जाते हैं। तो लॉन टेल मकाक की बात करते हैं, दैट हैज बीन फाउंड इन द तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो इसमें जिन्होंने ए बताया तो वो सही बताया, राइट। आते हैं बर्ड्स पे, बर्ड्स में क्या है कि देयर आर ओवर 1200 बर्ड स्पेसीज हैं फाउंड इन इंडिया, तो आप सारे के सारे जो बर्ड स्पेसीज हैं उसमें तो आप सारे पढ़ नहीं सकते। हॉर्नबिल एक कॉमन होता है, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट है जो हॉर्नबिल अगर आपसे पूछने बहुत कॉमन होता है, आपको डिसिड्यूस ड्राई रीजन में आपको हॉर्नबिल मिल जाएगा, राइट। तो कुछ जो यहाँ पर है उसको हम लोग वो करते रहे, एक फ्लाई कैचर होता है, अगर यहाँ पर देखे तो ये पैराडाइज फ्लाई कैचर है, ये काफी दिखने में सुंदर होता है, इसकी काफी बड़ी होती है, अगर वो उसके पंख को देखें तो व्हाइट बर्ड होता है, ब्लैक निकल होता है, राइट, टू लॉन्ग व्हाइट ट्रेलिंग इसके टेल फेदर्स होते हैं। तो ये आपका एक हुआ फ्लाई कैचर, हुआ बीटर्स, हुआ बर्ड ऑफ प्रे हुआ। अच्छा अब इसमें देखो एक जो इंपॉर्टेंट है जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये आपका थ्रेटेंड स्पीसीज है, उसके अलावा एक फ्लोरिकॉन्स है वो भी थ्रेटेंड स्पीसीज है। तो आपसे पूछे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कहां पर है, तो ये आपका जो सेमी एरिड रीजन है, जो थोर एंड स्क्रब रीजन है, वहां पर आपको ये मिलेगा ग्रेट, ये आपका जो बस्टर्ड है। फ्लोरिकन की बात करें, ये भी जो फ्लाई कैचर्स है ये भी यहाँ पर आपको मिलेंगे इस पॉइंट पे। तो यहां से दो पॉइंट निकल के आया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं हाईली थ्रेटेंड स्पीसीज है। अभी हम लोग जब रेड डेटा बुक पढ़ेंगे तो रेड डेटा बुक के थ्रू हम लोग कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज को देखेंगे, बट ये भरूचा के इंपॉर्टेंस पॉइंट है जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका स्टिल्ट्स है, स्टिल्ट्स अगर देखेंगे तो कुछ इस ढंग का, इसके पैर बहुत बड़े होते हैं, ये जो बर्ड है इसके काफी ज्यादा पैर बड़े होते हैं, काफी वो होता है। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक है, आपका फ्लेमिंगो हो गया, ये आपका एक्वेटिक हो गया। कुछ कॉमन लिजार्ड्स पाए जाते हैं आपके, गार्डन लिजार्ड्स हो गए, फैन थ्रोटल लिजार्ड्स हो गए, ये सारे के सारे आपके लिजार्ड्स है, राइट। आपका ये जो इस पे क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि जो जो टर्टल्स होते हैं, जो ओलिव रिडली जो टर्टल्स होते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर मिलते हैं, ये इंडिया के किस पोस्ट पे मिलते हैं, ये आप कमेंट कर सकते हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। क्रोकोडाइल इज अवर लार्जेस्ट रेप्टाइल एंड विच इज पोस्ट, घड़ियाल की बात करें, इट इज एंडेमिक टू इंडिया। घड़ियाल की बात करें तो ये हाईली एंडेमिक है, इस पे भी क्वेश्चन आया है, और इट इज हाईली थ्रेटन्ड। तो घड़ियाल आपका हाईली एंडेमिक है और हाईली थ्रेटन्ड है, ठीक है। उसी ढंग से एम्फीबियंस हैं, हम देखेंगे अभी जब वो कवर करेंगे आपका रेड डेटा बुक। आते हैं सीधे सीधे रेड डेटा बुक पे। यस यस, उड़ीसा, यू आर राइट, उड़ीसा पे है, वहां पर उड़ीसा है, बिल्कुल सही आपने बताया, वहां पर है भिटन कनिका, आप लोग सुने होंगे, वहां पर आपको ये वहां पर नेस्ट है, ये अपना नेस्ट करते हैं, वो करते हैं,
राइट। रेड डेटा बुक्स पे आते हैं। रेड डेटा बुक्स के बेसिकली क्या है कि देखो हमने अभी क्या पढ़ा, कुछ जो कॉमन थे कुछ रेयर पढ़ लिए। अब आपको ये पता होगा कि जो रेयर है मोस्टली वो थ्रेटेंड है, क्योंकि वो रेयर स्पेसीज है तो वो थ्रेटेंड स्पेसीज है राइट। और कुछ आपके कॉमन स्पेसीज है, तो वो एक तरह से मोटा मोटा देखा। वो जो चार्ट है आपको दो बार तीन बार सारे आप देख सकते हैं। आते हैं सीधे पहली बात रेड डेटा बुक पे। तो रेड डेटा बुक है कौन और पब्लिश कौन करता है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इसको पब्लिश करता है सबसे पहले, तो ये जान लीजिए ठीक है। IUCN क्या इंटर गवर्नमेंट एजेंसी है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि क्या NGO है, तो बताइए कि क्या इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है कि यार ये NGO है नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, ये मैंने अभी बताया था। अभी IUCN का डिटेल हम लोग जब इंटरनेशनल जब ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो हम लोग उसको डिटेल देखेंगे। अभी के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, तो इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द IUCN, एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली वैल्यू, ये पूरी की पूरी बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है ऑन द स्टेटस ऑफ मेनी काइंड ऑफ स्पीसीज। स्टेटस का यहाँ पे क्या मतलब है, स्टेटस का मतलब कि कितना डेंजरस है, कितना उसके ऊपर खतरा है। जो ये रेड है, रेड क्या सिंबल शो कर रहा है, शो द डेंजर, कितना उसके ऊपर खतरा है, वो सारी चीजें आपका इस जो बुक होगी जो लूज लीफ वॉल्यूम होगा इसमें उसको मिलता है, वहां पर पूरा का पूरा ब्यौरा दिया रहता है। अच्छा रेड डेटा बुक है, थोड़ा सा और पॉइंट है कि रेड डेटा बुक वाज फर्स्ट इशूड इन 1966 राइट दिस। आते हैं मेन पॉइंट पे, जो IUCN ने क्लासिफिकेशन किया, जो रेड डेटा बुक में आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा वो इस ढंग से पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। आपको एक्सटेंट मिलेगा, ऐसे सारे के सारे जो वाइल्ड है जो एक्सटेंट हो चुके हैं, एक आपका एक्सटेंट मिलेंगे सारे स्पेसीज, फिर आपका एक्सटेंट इन द वाइल्ड है ठीक है। यस नॉन गवर्नमेंटल, नो नो नॉट इंटर गवर्नमेंटल, जो IUCN है दैट इज नॉन NGO है, उसको हम लोग देखेंगे, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। फिर आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो हाईली क्रिटिकल है, ऐसे स्पेसीज जिनको बहुत ज्यादा खतरा है, फिर आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज है, वल्नरेबल है जो कि इंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड के बीच में है, फिर आपका लिस्ट कंसर्न है, फिर ऐसे स्पेसीज जिनका डेटा डिफिशियंट है, और ऐसे स्पेसीज जिसको इवेल्युएट नहीं किया गया है। तो बेसिकली इस ढंग से ये पॉइंट है, अगर आप रेड डेटा बुक देखेंगे तो आपको एक्सटेंट मिल जाएगा, एक्सटेंट इन वाइल्ड मिलेगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मिलेगा स्पेसीज, इंडेंजर्ड मिलेगा, वल्नरेबल, ये तीन आपको थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा है, और ये आपका एक्सटेंट के कैटेगरी में है, फिर आपका लिस्ट ये नियर थ्रेटेंड है ये आपका, और फिर आपका लिस्ट कंसर्न है। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले एक्सटेंट है, फिर आपका एक्सटेंट इन वाइल्ड है दूसरा, फिर आपका थ्रेटेंड, ये तीन को थ्रेटेंड में रखा गया है, फिर आपको नियर थ्रेटेंड में रखा गया है, और फिर आपका लिस्ट कंसर्न में रखा गया है राइट। ये है इसके बारे में जो मेन पॉइंट है। देखो इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था सिर्फ और सिर्फ रेड डेटा बुक, वो इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे कि अब आप चलिए कि थ्रेटेंड की डिफिनीशन बता दीजिए, या आप बता दीजिए कि जो लिस्ट कंसर्न है, मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि रेड डेटा बुक है क्या, रेड डेटा बुक पब्लिश कौन करता है, और उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा पढ़ देता हूं, रेड डेटा बुक्स पब्लिश बाय द IUCN ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ, ये इसे पूछा है कि ये लिस्ट है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कि नसीबी एनी अदर वन, अंशिका सी ओके, अभिनंदन भी, निधि भी ओके, एनी अदर वन,
वरुण भी, स्नेहल भी, अभिनंदन भी, यस। तो मोस्ट ऑफ देम आर गिवन द राइट आंसर। किसी ने एक एक करके आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। देखो जो पहला है एंडेमिक प्लांट है एनिमल स्पीशीज, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये रेड डेटा बुक्स है, बुक्स है, बुक्स में क्या रहती है, दैट इज ए इंफॉर्मेशन रहती है, पहली चीज तो ये जान लो बुक्स क्या है, दैट इज ए इंफॉर्मेशन। आप अगर थर्ड ऑप्शन देखें दैट इज प्रोटेक्टेड साइट्स है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्री, तो ये साइट्स नहीं है, ये बुक्स है जो इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सा स्पेसीज चाहे फ्लोरा फना कौन सा हाईली मतलब कौन सा थ्रेटेंड है, उसका क्या स्टेटस है, वो ये बताती है, कोई एरिया नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन वैसे ही इलिमिनेट हो गया, तो अगर थर्ड ऑप्शन हटा दें तो केवल दो है। उसके अलावा जो एंडेमिक प्लांट है एनिमल स्पेसीज होते हैं गाइस, पहली चीज तो एंडेमिक स्पेसीज का आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए। एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में ही वो स्पेसीज मिलता है, उसको एंडेमिक मिलता है। आप लोग इनडेंजर्ड स्पेसीज और एंडेमिक स्पेसीज से कंफ्यूज मत होइएगा। एक इनडेंजर्ड स्पेसीज होता है आपका और दूसरा होता है आपका एंडेमिक। तो जो एंडेमिक होता है कोई स्पेसिफिक एरिया में केवल वहीं पर पाया जाता है, तो उसको हम लोग एंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं, राइट। तो ये रेड डेटा बुक जो कि रेड से क्लियर है कि हाईली अलर्ट है, हाईली अलर्ट में ऐसे सारे स्पेसीज है जिनकी स्टेटस है आपको बताया कि जो जो हाईली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, जो आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इनडेंजर्ड है आपके, फिर आपके नियर थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड है, फिर आपके लिस्ट कंसर्न है, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो दैट्स वाई द ऑप्शन विल बी टू इसका करेक्ट होगा। काव्या सी यू आर रॉन्ग। जो आपका थ्री है ना गाइस, थ्री आप देखो कि प्रोटेक्टेड साइट्स लिखा है, ये साइट्स नहीं है भाई, ये बुक है, ये कोई एरिया नहीं है, बुक है जो वॉल्यूम है, जो इंफॉर्मेशन है। अगेन अगर आप डिफिनीशन में जाइए तो ये देखिए ना ये क्या है कि इट इज अ लूज लीफ वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि स्टेटस देती है मेनी काइंड ऑफ स्पीसीज। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको काव्य जी। आते हैं अगले पॉइंट पे, जो अब हम क्या करेंगे, जो इंडिया के जो कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका शंकर में दिया है, वो एक जगह कलेक्शन करके यहाँ पर है, उसको मैं अब अभी वो बोल देते हैं, आपको सुना देते हैं, वो सारा कलेक्शन यहाँ पे है। आपको गाइस क्या करना है कि अब आप इसको अगर देखेंगे दो बार तीन बार याद होगा, पहली चीज। मतलब अगर आपसे देखो क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन सी इंडेंजर्ड स्पेसीज है, कौन सी आपकी कॉमन स्पेसीज है, तो एक तो आपको जो परूचा की बुक है वहां से भी आइडिया लगा कि हाँ कुछ स्पेसीज है जो कि कॉमन है, कुछ स्पेसीज रेयर। साथ में ये थोड़ा सा कोई न्यूज में रहता है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पिग्मी हॉक की बात करें तो दीज स्पेसीज, जितनी भी स्पेसीज यहाँ पे दी है, दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसमें भी क्वेश्चन है, अभी हम लोग फटाफट करके देखेंगे। आपका पिग्मी हॉक हो गया, फिर अंडमान एक व्हाइट टूथेड शू है जो कि आप अंडमान एरियाज में है, फिर एक रैट है कोंडाना रैट है, फिर लार्ज रॉक रैट है, फिर नांडफा आपका फ्लाइंग स्क्वेरल है, बता सकते हैं आप लोग कि नांडफा कहाँ पे है, नांडफा मैंने बताया था कहाँ पे है। फिर आपका मालाबार जो कोस्ट पे है वो है सिवेट है, सुमात्रन रायना शोर है, दीज आर ऑल द क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कश्मीरी स्टेग है जिसको अंगुल डियर बोलते हैं, जो आपके आपका कोनीफेरस रीजन में मिलता है हिमालय रीजन में, दैट इज आपका कश्मीरी, जो कश्मीर स्टैग है जिसको हंगुल बोलते हैं, राइट। तो ये पॉइंट हुआ। कुछ मैरिन मैमल्स हैं वो भी आपके इंडेंजर्ड है, राइक आपका जो रिवर, जो फ्रेश वाटर जो डॉल्फिन होते हैं, गंगा की जो रिवर डॉल्फिन है, इंडस रिवर डॉल्फिन होते हैं, हर्बीवोर्स जो मैरिन मैमल्स होते हैं, डगोंग्स होते हैं, मैनेट्री होते हैं, दीज आर ऑल द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये मैमल्स हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, राइट। अब आपका देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट है ये आपका क्या है, ये सारे के सारे मैरिन मैमल्स हैं गाइस। देखो अब सिर्फ इसी पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यस यू आर राइट, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूं, आप शायद उसको कर पाए। क्वेश्चन आया था आईएएस के प्री 2019 में, राइट। क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मैरिन एनिमल है जो कि वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन है, उस टाइम 2009 में वर्नरेबल था,
अभी जब 2020 की बात करते हैं तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो स्पीशीज हो चुका है। तो बताना है कि वो क्या है, डुगान के बारे में आपको बताना है। अभी मैंने कुछ मैमल्स की बात की थी, मैं तो गाइज अगर आप यहां पर आए इस पॉइंट पर, हम मैं आंसर बता देता हूं। डुगोंग की बात की थी मैंने, मैरीन मैमल्स है तो इसका आंसर मैमल्स होगा। डुगोंग क्या होता है, एक मीडियम साइज मैरीन मैमल्स होता है विच इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, जो कि अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। यस यू आर राइट। अब असल में देखो ये 2009 में क्वेश्चन आया था, अब इसी पर एक और एडवांस क्वेश्चन आपका बाद में यूपीएससी ने पूछा डुगोंग के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो ये अगला उसका थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, निष्का सी, नाशी सी, मुनीब डी, निधि सी, सुधाकर सी, एनी अदर वन, आप में से कोई और बताना चाहे तो बता सकता है, कमेंट कर सकता है। ओके, वरुण सी, काव्या सी, देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज है कि डुगोंग को कहते क्या है, ये आप जान लो कि डुगोंग एक्चुअली सी काऊ बोलते हैं। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना, अगर सी काऊ लिखा हुआ है तो दैट इज डुगोंग, राइट। एक चीज तो ये जान लो। दूसरा हमने बताया था कि डुगोंग अगर आपका है जो कि इनडेंजर्ड है, जब वो इनडेंजर्ड होगा, जब वो क्रिटिकली इनडेंजर्ड में पहुंच गया होगा तो दैट हैज बीन गिवन लीगल प्रोटेक्शन, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर स्केड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको सी काउ क्यों बोलते हैं गाइस? काउ को आपको मालूम होगा कि काउ क्या है, कि एक तरह से ये काउ क्या फीड करता है, वो घास को फीड करता है काउ, ठीक है। काउ एक तरह से घास को फीड करता है, प्लांट को फीड करता है, तो जो ये सी काउ है, तो सी काउ है, इट वाज इट मींस फीडिंग ऑन सी ग्रास, डुगोंग आर फाउंड इन सी ग्रास बेड्स एंड दिस ईयर। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये फाउंड होता है आपका ईस्टर्न अफ्रीका में भी मिलेगा, साउथ एशिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में कहां मिलता है गाइज? ये गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाप भी। अब गाइज थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कॉमन सेंस ये है, अगर आपको सिर्फ इतना जैसे मालूम हो, अगर आपको काफी लोगों ने सही भी आंसर दिया, आपको इतना देखो तरीका मैं बता रहा हूं। आपको देखो कुछ ये नहीं मालूम था आपको कि चलो ये आपका कि प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, आपको इतना तो मालूम था ना कि डुगोंग आपका क्या है, ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, राइट, या इंडेंजर्ड है। 2009 में आपका मैरीन मैमल्स में उसमें मेंशन भी है। कोई स्पेसीज इंडेंजर्ड अगर होगी तो क्या वो इंटायर कोस्ट पे पाई जाएगी? कॉमन सेंस लगाओ ना, वो कुछ पर्टिकुलर जगह पे पाई जाएगी, कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे पाई जाएगी, वो रेयर एनिमल होगा, क्योंकि अगर वो कॉमन एनिमल से होता, अगर इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया पे पाया जाता तो फिर उसको इस कैटेगरी में रखने की जरूरत क्या पड़ती,
इस कैटेगरी में। आप समझिए कि क्वेश्चन को कैसे अपना, आपको ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि या इंफॉर्मेशन आपके पास कम हो, लेकिन आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उससे आप आंसर सही कर सकते हैं। तो आप इसमें जो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन को गलत कर सकते थे, जहां पर दो है तहां पर आप इसको गलत कर सकते थे। अब दूसरी एक चीज थी कि ये लीगल प्रोटेक्शन भी है। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन और आपको चाहिए थे कि सी काऊ, अगर आपको पता होता कि डुगांग का नाम सी काऊ है, क्यों नाम सी काऊ है, क्योंकि इट इज ए हर्बीवोरस मेरिन एनिमल्स है, ये प्लांट्स को और घास को खाता है, तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी सी। तो कुछ आपको लॉजिक भी यूज करने होते हैं, कुछ आपको चीजें पता होती है, आपको अल्टीमेटली एग्जाम में क्या करना है, आपको अल्टीमेटली एग्जाम को सिलेक्शन लेना है, एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो इंडिया में कहां पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार है, पॉक बेपेर। कमेंट कर सकते हैं कि आपको गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है। अच्छा, वो तो मैमल्स की बात हो गई, कुछ क्रिटिकल आपके बर्ड्स भी हैं, वो सारे यहां पर है, मैंने यहां पर लिख दिया है आपके। एक ये है फॉरेस्ट ओलेट्स हो गया आपका, बंगाल फ्यूशन हो गया, हिमालयन क्वेल हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, साइबेरियन क्रेन हो गया, पिंक हेडेड डक हो गए, दीज आर ऑल द क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स। ओके, तो दीज आर ऑल द क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स हो गए ये सारे। अच्छा, एक फायर कोरल से गाइस, हम लोग कोरल रीफ पढ़ेंगे, उसपे हम लोग डिटेल जानेंगे। अभी जैसे फायर कोरल्स की बात होती है तो ये क्या है अगर इसके बारे में, तो ये जो जेली फिश होती है ना उससे वो ज्यादा क्लोज होती है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछा जाए कहां पर मिलता है, तो जनरली इट फाउंड इन मर्की, जो इन शोर वाटर होते हैं वहां पर है, इंडोनेशिया, गल्फ ऑफ दीज आर ऑल, इंडिया में भी आपको फायर कोरल्स मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फायर कोरल्स क्या है। तो ये एक तरह से जेली फिश है और कोरल्स है, तो जेली फिश की तरफ ज्यादा ये आपका, एक्चुअली ये शंकर में दिया था, तो दैट आई हैव जस्ट राइट इट। अच्छा, बर्ड्स के माइग्रेशंस होते हैं, आपको मालूम होते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से बर्ड्स आते हैं, राइट आपके दिमाग में आता होगा कभी क्वेश्चन कि व्हाई द बर्ड्स माइग्रेट, बर्ड्स माइग्रेट क्यों करता है भाई लोग, एनीवन कैन गिव आंसर, बर्ड्स माइग्रेट क्यों करता है। तो बर्ड्स देखो, बहुत से माइग्रेशन ये होता है, आपको मालूम होगा कि जब एडवर्स कंडीशंस हो जाती है, एडवर्स फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स की बात होती है, जब साइबेरिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती है तो वो आपका इधर की तरफ मूव करता है, तो एक तो एडवर्स फैक्टर होते हैं किसी पर्टिकुलर जगह में तो मूव करके आ जाता है, फिर आपका शॉर्टेज फूड को, अगर शॉर्टेज है तो आता है, ये सारी चीजें आपका रीजन फॉर माइग्रेशन, राइट। ये कुछ पॉइंट है, स्पेसीज के एक्सटेंशन के वेरियस प्रोसेसेस हैं, वो थोड़ा सा प्रोसेस मैं डिस्कस कर देता हूँ, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है प्रीलिम्स पे आपसे ना पूछे पर मेंस में पूछ सकता है। वन इज डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है, दूसरा है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे कोई फ्लोरा फना कोई एक्सटेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ग्लेशिएशन, जैसे आपका कोई मान लो वो कोई एज आ गई, जो आपकी ग्लेशियर एज आ गई, मान लो ग्लेशिएशंस हो गया बहुत ज्यादा, या ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, या डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। इसके द्वारा एनिमल या जो भी प्लांट्स है वो एक्सटिंक्ट होते हैं। एक होता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस होते हैं, दैट हैज बीन रैंडम, मतलब अचानक से मान लो कोई डिजीज आ गई, डिजीज कोई अचानक से फैल गई, या अचानक से कोई प्रीडेटर्स आ गए, या अचानक से कोई इन्वेजिव स्पीसीज आ गए, तो दैट विल बी आपका एक्सटेंशन, वो स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस हो गई। आपको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ये पूरे के पूरे। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, एक नेचुरल एक्सटेंशन होता है, सर्वाइवल और फिटेस्ट आप थ्योरी तो जानते ही होंगे, एक वो पॉइंट है, नेचुरल एक्सटेंशन होता है, कॉन्टिनेंट जब ड्रिफ्ट हुआ था तो एक्सटेंशन बहुत से स्पीसीज का हुआ था, क्लाइमेट चेंज होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, दीज आर ऑल द नेचुरल एक्सटेंशन जिसके द्वारा ये होता है। फिर आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल में जैसे पोचिंग हंटिंग वगैरह हो गई, या ह्यूमन का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया, तो दैट विल बी आर्टिफिशियल एक्सटेंशन। ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे लिखे हैं। मैन और एनिमल के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, एक सबसे बड़ा रीजन तो पॉपुलेशन है, राइट, उसका एक बहुत बड़ा रीजन पॉपुलेशन है। दूसरा वहां पर क्या है,
कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, कोई स्पेसीज अगर लॉस हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, एक प्रोसेस हो गया। कोई इको टूरिज्म की बात आ गई, आप देखते होंगे कि पहले तो सर्कस वगैरह में भी देखते थे, जूस वगैरह में, या फिर आप ये देखेंगे कोई स्पेसीज है जैसे दांत वगैरह, हाथी के तीत वगैरह बोलते हैं, काफी महंगे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फिर ह्यूमन और मैन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। इम्पैक्ट, ये सारी चीजें हैं, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये सारे इम्पैक्ट हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रॉप डैमेज होता है, लाइफ स्टॉक डिप्रिसिएशन लॉस, ह्यूमन लॉस, दीज आर ऑल द पॉइंट्स। इसके लिए स्ट्रेटजी है, एक आपकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी जो है, जब हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। गार्डनिंग कर दें आपका, रीएलोकेशन कर दें उन पर्टिकुलर स्पेसीज को, बैरियर बना दें, आर्टिफिशियल नेचुरल बैरियर्स बना दें, ये सारी चीजें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। मिटिगेटिव स्ट्रेटजी होती है जैसे कंपनसेशन सिस्टम हो गया, इंश्योरेंस प्रोग्राम हो गया आपका, कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, दीज आर ऑल द मिटिगेटिव स्ट्रेटजी। गाइस, अब एक और पे आते हैं, एक और पॉइंट है, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कल कुछ कंफ्यूजन हो गया था कि इंडिया में जो हम लोगों ने बात की थी कि कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो उस पे जो हम लोगों ने बात की थी, तो देखो अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन पहले कौन रिकॉग्नाइज्ड करता है, तो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को, राइट। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है। ये जो यूनेस्को वाला ये जो कन्वेंशन था, दैट वॉज एडॉप्टेड इन 1972. There are 38 World Heritage Sites. पहली चीज तो ये जान लो कि जो जितने भी World Heritage Sites इंडिया में located है, इसको recognized कौन करता है? That is UNESCO. और इसमें different different आपका educational, scientific भी हो सकता है, कोई cultural भी sites हो सकती है, कोई बहुत ज्यादा information educational हो सकती है, natural भी हो सकती है, बायोस्फीयर भी हो सकता है, नेशनल पार्क्स भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपका जो 38 आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया, उसको यहां पर रिकॉग्नाइज्ड किया गया, राइट। अब गाइस, अगर हम जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी और उसकी बात की थी, तो गाइस जो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व मिलाकर चले, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक आपका है काजीरंगा, ठीक है, एक आपका है काजीरंगा, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, काजीरंगा, ठीक है, एक आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा एक आपका पॉइंट है मानस आपका नेशनल पार्क है, मानस है वो आपका इंक्लूडेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आपका इंक्लूडेड है। फिर एक आपका आता है थर्ड पॉइंट है, फिर एक आपका आता है कंचनजंगा इसमें इंक्लूडेड है। मैं केवल उन्हीं का नाम ले रहा हूं जो आपका नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कंचनजंगा ये मालूम होगा आपको कहाँ पे है, ये आपका सिक्किम में है। मानस मालूम होगा आपको कहाँ है, असम में है। फिर उसके बाद एक आपका जो नंदा देवी है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, तो ये आपका इसको भी इसमें रखा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, वैली ऑफ फ्लावर, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चार हो गया। पांचवा गाइस आपका है, पांचवा आपका आता है जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पांचवा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये आता है। छठा जो आपका आता है, छठा आपका आता है केवल देव, जो केवल देव आपका राजस्थान में है, केवल देव आपका जो राजस्थान में है नेशनल पार्क, वो भी इसका पार्ट है। आपको हम लोगों ने रामसार साइट्स बताई थी, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बताया था, तो अगर आप याद करें तो केवल देव नेशनल पार्क। तो ये छह है आपके, जिनको आपको मतलब नेशनल पार्क और बायो रिजर्व वो है मिला करके, जो कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। मुझे लग रहा होगा ये पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ होगा। तो ये पॉइंट है आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। एक जैसे ये क्वेश्चन आया था, एक्चुअली आईएएस प्री 2012 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपली ये पूछा था कि वल्चर विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन द इंडियन कंट्री साइड सम इयर्स एगो, वो रेयरली सीन देखे जा रहे हैं, तो इसका क्या बहुत बड़ा रीजन है? तो गाइज ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप लोग बताइए कि जो वल्चर का आपका जो
एक तरह से विलुप्त होने की कगार पे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसका क्या रीजन है, एक ये क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है आपका, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पेसीज अकर इन, ये है, इस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका जरूर आंसर दीजिएगा। फिर आपका जो ट्री स्पेसीज है मॉरिशस में, ये क्वेश्चन पूछा है कि जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है जो कि फेल्ड हो गए टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन, उसका नाम पूछा था, उस बर्ड का आपको नाम बताना है गाइस, उस बर्ड का आपको नाम बताना है, उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, नासी ने ए किया है, बी किया है, बी ड्रग्स। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट का आंसर बता रहे हैं तो ठीक है, आप लोगों ने राइट बताया कि जो ड्रग यूज किया था कैटल ओनर्स बाई ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल्स, तो उसकी वजह से वल्चर का एक्सटेंशन होने लगा, ये सही बताया आप लोगों ने, बी बताया। जो सेकेंड एक क्वेश्चन है इस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी फटाफट बता दीजिए। चलिए आप लोग जो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन था इस पर आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, काव्या सी, अदिति बी, नसी बी। देखो इसको मैं फिर से बता देता हूं, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ देम सही किया, पर जिसको नहीं मालूम है इसको मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वो घटता जाता है, राइट। जहां पे इक्वेटर के बिल्कुल पास में जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया तो वहां पर आपका हाईली बायोडायवर्सिटी होगा, हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, वहां पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डीकम्पोजर वो सारे एक्टिव होते हैं, सब चीजें एक्टिव होती हैं, सारा आपको वो मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कम वेरिएशन मिलेगा। अब यहां पर अगर आप लोग आए तो ये आपका देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रीजन में है, मोस्ट मतलब जहां पर ठीक ठाक बारिश रेनफॉल हो रहा है, तो ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट रीजन है, तो इसका आंसर बी होगा। तो आई थिंक काफी लोगों ने इसका आंसर सही बताया, ये अलग अलग उसमें पूछता है। एक और ये क्वेश्चन है जो ट्री स्पेसीज है, एक्चुअली मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये है बहुत पुराना क्वेश्चन, बट हो सकता है आपसे दोबारा ये पूछ ले, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये स्पेसीज। ओके, काफी लोगों ने सही आंसर दिया था बी, तो राइट। यस, यू आर बिल्कुल राइट निर्मल जी, डोडो, यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ये डोडो है। डिटेल में आप लोग गूगल कर सकते हैं कि डोडो का क्या, बस एक चीज तो क्लियर है कि ये डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, राइट। कभी क्वेश्चन में आ जाए कहीं पर एक्सटिंक्ट के डोडो किसी फॉर्म में तो डो, तो काफी लोगों ने यस, स्नेल बी भी यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, ये डोडो है, ये फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है जो कि एक्सटेंशन पे हो गया। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इस जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करना थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, आप लोग ये आप लोग 125 वर्ड्स में इसको लिख के लीजिएगा, 125 वर्ड्स कंसाइज वे में टू द पॉइंट्स आप इसको करिएगा 125 वर्ड्स में। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ स्पेसीज लॉस इन द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी के आधार पे आपको बताना है, प्रोवाइड एटलीस्ट थ्री कॉजेस बताना है, व्हाट आर द सम ऑफ द स्ट्रेटजी दैट कैन बी अप्लाइड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टेड एरिया। तो आप 125 छोड़िए, आप इसको थोड़ा और अच्छे 200 वर्ड्स में कीजिए, 200 वर्ड्स में ताकि आप अच्छे से कर पाए, तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा, वो करिएगा। यस, राइडर बी, जिबा बी, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट।
वो इसका आंसर आप लोगों ने सही बताया, तो इसका आंसर होगा दिस। तो इसको आप लोग करिएगा, इसको आप लोग क्वेश्चन कीजिए, जो भी समझ में आए थोड़ा सा इससे आपका दिमाग और मेंस के लिए वो होगा। तो ये आज का पूरा का सेशन हुआ गाइज। गाइज ये जो नया बैच शुरू हो रहा 25th मई के, आप लोग अगर प्लस पे आते हैं तो आप जब भी प्लस में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए और ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा, आपके लिए यूट्यूब से ज्यादा आपको इंट्रैक्शन मिलेगा। ये कोड है GSTN, यूज कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग, अगर आपको एडमिशन लेने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ये GSTN कोड यूज कीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए, मुझसे आप पूछिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, जो भी आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, अदर दीज आर थिंग्स। तो आप लोग ये कोड यूज कीजिए, फॉर 2 ईयर्स के लिए आपको पेमेंट, टोटल जो पेमेंट फीस है 43,200 है, 1 ईयर का 36,000 है। और आपका एक और पॉइंट है कि आपका EMI पे भी आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट है आज का। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, अगर एनी डाउट्स इफ यू हैव प्लीज आस्क मी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई रिगार्डिंग, एक मैंने वो किया है कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू अप्रोच इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वो आई थिंक कल प्रीमियर शायद होगा, तो वो आपसे आपको थोड़ा सा वो एक आइडिया लगेगा कि कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन से आपके रिसोर्सेस हैं जिससे आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट का पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी, सिलेबस रिलेटेड या कोई भी पॉइंट आपको अगर डाउट्स हो रहा है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।